Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well, good, great. So today I'm going to show you how I create this look. ये मेरी मॉडल थी तो मुझे इनके ऊपर इन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले बोला था कि मैम मतलब प्लीज़ मुझे भी वीडियो बनाना है, मुझे भी शूट करना है. वैसे इनकी इंगेजमेंट थी तो मैंने बोली चलो ठीक है मैं तुम्हारा कर देती हूँ मेकअप, मुझे वीडियो भी बन जाएगी. देन यहाँ पर फर्स्ट मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का टोनर यूज़ करा. ये गुड वाइब्स का सिरप. तो फर्स्ट मैंने ये यहाँ पर यूज़ करा. देन यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको लगा के सेट करा, कुछ मैंने 5 मिनट्स तक रखी. फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने एलेगर का 2 कलर करेक्टर यूज़ करा. इसमें ये 2 शेड है, एक रेड है और एक ग्रीन है. रेड हम लोग डार्क सर्कल, पिगमेंट स्किन, डार्क पैचेस उसके लिए यूज़ करते हैं, और ग्रीन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं हमें न्यूली पिम्पल आया है या हमारे फेस पर थोड़ा भी डार्क मीन्स होल टाइप हो जाते हैं ना, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ये अच्छे से कवर करता है, पिंपल नहीं दिखते हैं. तो देन यहाँ पर मैंने आँखों के ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लगा के उसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इनको जैसा मेकअप करना था मुझे स्मोकी आइज करना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि चलो पहले ये करके छोड़ देते क्योंकि मुझे आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना था. तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर स्पूली से आईब्रो शेप देने के बाद मैं यहाँ पर इनग्लॉट का 3 2 इन 1 अपना काजल प्लस लाइनर यूज़ करा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाटरप्रूफ है. और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको लेके, कुछ 6-7 मंथ के ऊपर से ये अभी तक चल रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेके उनकी आँखों पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करा. वो आई बेस अच्छा होने के बाद में यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन कलर इनकी अपना क्रीज पे अप्लाई करा. क्रीज पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने काजल, वही जो इनग्लॉट का मेरा काजल था ना, उसे अप्लाई करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्लैक कलर लेके उसे स्मजर्ड आउट करा. उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में यहाँ पर मैंने मेबलिन का मस्करा लेके उसे लगाया. मेबलिन का मस्करा बहुत ज़्यादा अच्छा था, वाटरप्रूफ था, लॉन्ग लास्टिंग था, और उससे आपकी लैशेज उठ के दिखती. देन यहाँ पर मैंने इनको लैशेज अप्लाई करा. लैशेज मेरी मैग्नेटिक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ईजी टू वेयर है और बहुत ज़्यादा अच्छे से लग भी जाती है. खाली लाइनर लगाने का रहता है, लैशेज चिपकाने का रहता है. देन यहाँ पर मैंने अपना हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन लगाया है. इनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर थी तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यही था. तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद में आप लोग देख सकते हो मेरी मॉडल कितनी क्यूट सी थी. उनको वैसे भी मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. तो मैंने ये वीडियो बहुत टाइम पहले बना के रख चुकी थी, बस मुझे ये अभी दिखाना, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि यार मैं कब डालूँ, कब पोस्ट करूँ, कब पोस्ट करूँ, कब पोस्ट करूँ. तो मैंने बोली चलो आज मैं कर ही लेती हूँ. देन उसके बाद में मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में मेरे पास फॉरएवर 52 का कंटोरिंग पैलेट था, उसमें से मैंने इनको कंटोरिंग का शेड ब्राउन शेड अप्लाई करा. देन उसके अंदर ही मुझे कंसीलर पाउडर मिला. ये सब पे ना शेड सब मुझे पाउडर ही मिले और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे. देन यहाँ पर मैंने वही कंसीलर स्विस ब्यूटी का कंसीलर इनके जो एरिया मुझे हाईलाइट करना था उस उधर अप्लाई करा. उधर अच्छे से अप्लाई करने के बाद में मैंने इनकी आईज़ के नीचे मुझे ना जो एरिया ज़्यादा हाईलाइट करने का होता है ना, मैं वो एरिया पे बहुत ज़्यादा लगाती हूँ. तो मैंने कंसीलर इनको बहुत ज़्यादा लगाया. एक्चुअली मैं हर मॉडल को ज़्यादा ही लगाती हूँ क्योंकि इनकी इंगेजमेंट थी और मुझे वीडियो भी क्रिएट करना था, दैट्स वाई. फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर मेरे पास ही एलेगल का लूज़ पाउडर था तो मैंने उनकी आईज़ के नीचे लगाया, अच्छे से हाईलाइट करा. फिर उसके बाद में पूरे फेस पे लगाने के बाद मैं देखो कैसा खेल रही हूँ उनके साथ में. हाँ ठीक है चलो, इतनी तो मस्ती मजाक तो होती रहती है. ऐसे अगर आप मस्ती मजाक करोगे तो मॉडल्स आती है, क्लाइंट्स आते हैं, मॉडल आपसे खुश होती है और क्लाइंट्स आपके पास आते हैं. फिर उसके बाद में यहाँ नीचे मैंने एक स्मोकी लुक के हिसाब से मैंने बोली अरे यार नीचे ब्राउन कलर लगाएगी, ब्लैक काजल लगाएगी तो नॉर्मली सब लोग करते, तो मैंने कुछ अलग करा. मैंने इनके आंखों के नीचे रेड कलर अप्लाई किया, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लश की जगह पे पिंक शेड अप्लाई करा, पिंक ब्लश. और इन्होंने मुझे बार बार बोलते रहे कि मुझे ब्लश ज़्यादा लगा, ब्लश ज़्यादा लगा, मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सॉरी टू डिस्टर्ब, एक्चुअली मेरी वॉइस ख़राब है मतलब अभी हो चुकी है, मेरी तबीयत ख़राब है इसकी वजह से. आप लोग देख सकते हो उन्होंने फिर से मुझे बोला मुझे ब्लश ज़्यादा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लश. मैंने बोली ओके ठीक है चलो. फिर यहाँ पर मैंने वही स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर भी उन्हें अप्लाई करा. ये मेरे मैंने लिपस्टिक का नहीं बोली ना शायद, हाँ लिपस्टिक का मेरा हुदा गर्ल का 2 इन 1 हुदा ब्यूटी का 2 इन 1 लिपस्टिक अप्लाई करा. और यहाँ पर जो हाईलाइटर था मैंने अपना स्विस ब्यूटी का और इसमें
हुदा ब्यूटी का जो आई शेडो पैलेट था उसमें से ली। मैंने उसे अच्छे से लगाने के बाद मैं अपने नोज पे, चीक पे और मिडल में, अपना आईब्रोज के नीचे, चिन पर अच्छे से लगाने के बाद में मैंने इन पे मेकअप फिक्सर मारी। मेकअप फिक्सर इसलिए आपका बेस हिलता नहीं है, थोड़ा भी ख़राब नहीं होता, सेटल रहता है, एक जगह पे रहता है। अब पूरी शादी ख़त्म हो जाए, पूरी मंगनी ख़त्म हो जाए, पूरी पार्टी ख़त्म हो जाए, बेस नहीं ख़त्म होता है। और आप देख सकते हो इनका लुक, वाओ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और इनका फुल मतलब इन्होंने जो भी कॉस्ट्यूम वेयर करा था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग को और भी, आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ और कंटेंट क्रिएट करूँ, हैक्स, मेकअप ट्यूटोरियल या कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट, तो आप मुझे बोल सकते हो। और मैं सेम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सेम वैसी वीडियो बनाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक।